इस वीडियो में दी गई जानकारी ऑनली फॉर एजुकेशनल पर्पस है। ये नोटबुक और वीडियो क्लियर से ली गई है। कृपया कुछ मेडिसिन और ट्रीटमेंट लेने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें। कुछ मेडिसिन और ट्रीटमेंट ना लीजिए, जानलेवा भी हो सकता है। थैंक्स माय टीम एमडी मेडिटिव। नमस्कार दोस्तों, वेलकम फ्रेंड्स, एमडी मेडिटिव में फिर एक बार आप सबका स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे एक बहुत ज्यादा चलन वाली, बहुत ज्यादा यूजेस होने वाला एक मेडिसिन के बारे में, जिसके नाम है स्पोरिडेक्स। स्पोरिडेक्स का कैप्सूल आज जानेंगे। स्पोरिडेक्स जो ब्रांड नेम है, यानी स्पोरिडेक्स एक ब्रांड नेम है जिसको सान फार्मास्यूटिकल कंपनी द्वारा मार्केट में लाया जाता है। इसके अंदर कॉन्टेंट सॉल्ट क्या है, इसके प्राइस क्या हो सकता है, इसको कितना मात्रा में यूज करना चाहिए, ये कौन कौन सा एमजी में यानी मिलीग्राम के स्ट्रेंथ में मार्केट में आते हैं, इसको यूज करने के बाद साइड इफेक्ट क्या हो सकता है, इसको सही में डॉक्टर द्वारा डोज क्या निर्धारण किया जाता है और डोज क्या दिया जाता है, सब कुछ आज पूरी डिटेल्स में जानेंगे। पूरी वीडियो के साथ बने रहिए, पूरी जानकारी लीजिए, क्योंकि आधा अधूरा जानकारी जानलेवा भी हो सकता है। चलिए वन स्टेप लर्न अबाउट एडवांस मेडिकल नॉलेज की तरफ बढ़े। स्पोरिडेक्स जिसको 125 यानी 125 एमजी, 500 एमजी यानी 500 एमजी और 250 एमजी यानी 250 एमजी, इन तीनों के फॉर्म में ही बनाया जाता है। इसको पाउडर फॉर्म और कैप्सूल्स फॉर्म, इन दोनों फॉर्म में भी बनाया जाता है। इसकी जो मुख्यतः जो ज़्यादा चलने वाले जो स्ट्रेंथ है वो है 250 एमजी और 500 एमजी का, और 125 एमजी का जो है वो बच्चों के लिए यूजर्स लिया जाता है, जिसको पाउडर फॉर्म में बनाया जाता है। इस स्पोरिडेक्स मेडिसिन के अंदर जो कॉन्टेंट्स है, कॉन्टेंट सॉल्ट है, वो है सेफालेक्सिन। सेफालेक्सिन एक एंटीबायोटिक ड्रग्स है जो कि बैक्टीरियल सेल वॉल को ख़त्म करने के लिए यूजर्स लिया जाता है, जो कि ग्राम पॉजिटिव और कुछ टाइप्स के ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को मारने के लिए सक्षम है, मारने के लिए इस मेडिसिन का बहुत ज़्यादा उपयोग लिया जाता है। ज़्यादातर प्रॉब्लम जो हमारा शरीर में होता है वो ग्राम पॉजिटिव से होने वाला प्रॉब्लम है। ग्राम पॉजिटिव से होने वाला बहुत सारा प्रॉब्लम से हम लोगों का शरीर जूझ सकता है, इसीलिए इस मेडिसिन के चलन भी, इस मेडिसिन के यूजेस भी बहुत सारा बीमारियों को ठीक करने के लिए है। जैसे कि यूटीआई की इन्फेक्शन जब हो जाता है, यानी यूरिनरी ट्रैक्ट में जब इन्फेक्शन हो जाता है, तब इस मेडिसिन का यूजेस लिया जाता है। यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन होने पर बहुत ज़्यादा बुखार आ सकता है, लोअर एब्डोमेन में पेन हो सकता है बहुत ज़्यादा, पेशाब रुक रुक के आते हैं, पेशाब करने तुरंत जलन होता है, उस सिचुएशन में डॉक्टर जांचने के बाद यानी यूरिन के कुछ टेस्ट करने के बाद इस मेडिसिन का यूजर्स लिया जाता है, यानी स्पोरिडेक्स एंटीबायोटिक का बहुत ज़्यादा उपयोग लिया जाता है। किडनी में कुछ भी इन्फेक्शन हो गया हो तब इस मेडिसिन का यूजर्स लिया जाता है, उस इन्फेक्शन को दूर करने के लिए। आपका पोस्टेट में कुछ इन्फेक्शन हो गया हो, पोस्टेट एनलार्जमेंट की जो प्रॉब्लम है उसको नहीं ठीक कर सकता है ये, यानी बीपीएच का जो प्रॉब्लम है उसको ठीक नहीं कर सकता। पोस्टेट का जो इन्फेक्शन है, यानी इस इन्फेक्शन के वजह से जो सॉयलिंग होता है उसको ठीक करता है। इन्फेक्शन ठीक होने के कारण से सॉयलिंग भी ठीक हो जाता है, इसलिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। सॉफ्ट टिश्यू में कुछ भी इन्फेक्शन हो गया हो उसको ठीक करने के लिए भी इस मेडिसिन का यूजेस लिया जाता है। स्किन इन्फेक्शन जब हो जाता है, स्किन इन्फेक्शन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होते हैं, जैसे कि मुख्यतः शामिल है सेलुलाइटिस की बीमारी। उस सेलुलाइटिस की बीमारी कैसे हो सकता है आप स्किन में देख सकते हो, सेलुलाइटिस की बीमारी को ठीक करने के लिए इस मेडिसिन का बहुत ज़्यादा उपयोग लिया जाता है, जिससे बहुत अच्छा फायदा मिलता है। ईएनटी डॉक्टर इसको सबसे ज़्यादा यूजेस लेते हैं, नाक में चाहे इन्फेक्शन हो, चाहे आँखों में इन्फेक्शन हो, चाहे गले में इन्फेक्शन हो। गले में इन्फेक्शन में सबसे ज़्यादा होते हैं टॉन्सिलाइटिस की बीमारी, उस बीमारी को ठीक करने के लिए इस मेडिसिन का सबसे ज़्यादा यूजेस लिया जाता है, जिससे बहुत अच्छा फायदा मिल सकता है। ऑपरेशन के बाद जब टाँके लगते हैं उनमें घाव सुखाने के लिए इस एंटीबायोटिक का बहुत ज़्यादा उपयोग लिया जाता है। ओल्ड इंजुरी जब हो जाता है उसमें पास भर जाता है, घाव सूखने का नाम ही नहीं ले रहा है, तब इस एंटीबायोटिक का यूजेस लिया जाता है। इस मेडिसिन का बहुत ज़्यादा उपयोग लिया जाता है जिसको ठीक करने के लिए। लंग्स में जब इन्फेक्शन हो जाता है उसको ठीक करने के लिए भी इस मेडिसिन का बहुत ज़्यादा उपयोग लिया जाता है, जिससे बहुत अच्छा फायदा मिल सकता है। हड्डियों के डॉक्टर इस मेडिसिन का बहुत ज़्यादा उपयोग लेता है, क्योंकि बोन के अंदर जो इन्फेक्शन होते हैं, जो स्वेलिंग वगैरह होता है, उसको ठीक करने के लिए इस मेडिसिन का बहुत ज़्यादा उपयोग है। ये जो मुख्यतः यूजेस था, बहुत सारा यूजेस ये मैंने बताया, और भी बहुत सारे यूजेस हो सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा एंटीबायोटिक है, बहुत सारे यूजेस हो सकते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए, जो डॉक्टर उनके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग लेते हैं। अब जानेंगे दोस्तों इसको यूज करने से पहले किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, यानी किन किन प्रॉब्लम के साथ इसको दिया नहीं जा सकता, और दिया जा सकता है तो किन किन बीमारियों को ध्यान रखना चाहिए ये पहले बता दूँ। प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग मदर में इसको यूज करने से पहले डॉक्टर के सलाह जरूर लीजिएगा, खुद से यूजेस ना कीजिए। जिन पेशेंट का प्लेटलेट के मात्रा बहुत ज़्यादा लो हो उनमें यूजेस नहीं किया जा सकता। अल्कोहल के साथ ना ही ले तो बेहतर होगा। इनके कंटेंट से जो कोई भी पहले एलर्जिक रह चुका हो उनको बिल्कुल नहीं दिया जा सकता।
दोस्तों इसको यूज करने के बाद क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, ये जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जैसे कि इसको यूज करने के बाद डायरिया हो सकता है किसी किसी पेशेंट को, नाउजुआ वोमिटिंग जैसी टेंडेंसी हो सकता है, और वीकनेस जैसी प्रॉब्लम हो सकता है, ब्लार विजन दिखा सकता है, सर चकरा सकता है। एंटीबायोटिक मेडिसिन है, इसको लेने के बाद गैस्ट्रिक इरिटेशन बन ही सकता है, स्किन के कुछ प्रॉब्लम दिखाई दे सकता है, और आपका चेहरे में स्वेलिंग आ सकता है, हाथ पैर में स्वेलिंग भी आ सकता है। जब भी आपको कोई अनडिजरेबल साइड इफेक्ट मिले, आप मेडिसिन को तुरंत ही बंद कीजिए और डॉक्टर से मिलिए जो कि आपको बेहतर ट्रीटमेंट दे सकते हैं मेडिसिन को चेंज करके या इसके डोज एडजस्ट करके। दोस्तों सबसे लास्ट में इसके महत्वपूर्ण पार्ट जानेंगे, इसके डोज सेक्शन, डोज क्या हो सकता है, डॉक्टर द्वारा क्या डोज दिया जा सकता है, जो कि मैं हर वीडियो में बताता हूँ। डोज रोगी का एज तथा रोग का सीवियरिटी के ऊपर निर्भर करता है। पहले एडल्ट का डोज बता दूं, उसके बाद चाइल्ड का डोज बता दूं। एक एडल्ट व्यक्ति को इनके जो 500 एमजी का टैबलेट है उनको 2 बार चलाकर 3 बार तक दिया जा सकता है। डॉक्टर सीवियरिटी देख के ही 2 बार चलाकर 3 बार तक देते हैं। इसको मैक्सिमम 4 ग्राम तक आप यूज कर सकते हो, यानी 500 एमजी का जो टैबलेट है इसको आप 8 टैबलेट तक हर दिन सीवियरिटी देख के डॉक्टर द्वारा दिया जा सकता है। खुद से ना यूज कीजिए इतना डोज। और जो बच्चों में यूज करने वाला जो दवा है, 6 वर्ष से लेकर 10 वर्ष के अंदर जो बच्चे हैं उनमें 125 मिलीग्राम के जो पाउडर फॉर्म के मेडिसिन आते हैं उसको 2 बार से लेकर 3 बार तक डॉक्टर द्वारा दिया जा सकता है। जिनके वेट ठीक ठाक है उनको ही दिया जा सकता है। हमेशा बच्चों में कुछ भी मेडिसिन यूज करने से पहले डॉक्टर की सलाह लीजिएगा, डॉक्टर वेट और एज जांचने के बाद ही डोज निर्धारण करते हैं। और जो 10 वर्ष से लेकर 15 वर्ष के ऊपर जो बच्चे हैं उनमें जो 250 मिलीग्राम का टेबलेट आता है वो 2 बार से लाकर 3 बार तक रोग की सीवियरिटी देख के दिया जाता है। इस मेडिसिन को कंटिन्यू किया जा सकता है 5 से लाकर 10 दिन तक। डॉक्टर ज़्यादा सीवियर हो तो 15 दिन भी कर सकते हैं। खुद से इतना दिन ना यूज कीजिए, डॉक्टर के सलाह से ही हमेशा यूज कीजिए। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही इन्फॉर्मेशन देना था स्पोरिडेक्स मेडिसिन के बारे में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसे ही वीडियो बनाने के लिए। मिलेंगे अगले वीडियो पर, तब तक के लिए सुरक्षित रहिए, अच्छे रहिए, धन्यवाद।